जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग बैटरी के बारे में जानेंगे कि कितने टाइप की होती है और किस प्रकार की कार्य करती है। देखिए, नॉर्मल बैटरी हम लोग देखते हैं तो उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है प्लस और दूसरा होता है माइनस। और यदि एलईडी बल्ब को जलाते हैं तो प्लस वाले को प्लस है और माइनस वाले को माइनस जोड़ देते हैं तो एलईडी बल्ब जलने लगता है। ऐसे ही आप इन्वर्टर के बैटरी को देखते होंगे, उसमें दो ही टर्मिनल दिए होते हैं, एक प्लस का और माइनस का। लेकिन जो ही हम मोबाइल की बैटरी को देखते हैं तो उसमें चार टर्मिनल दिए गए होते हैं। ये दो टर्मिनल एक्स्ट्रा क्यों आते हैं और इसका क्या काम होता है? देखिए, जो पहला है और जो लास्ट वाला है, ये तो प्लस और माइनस का होता है। पहला और लास्ट वाला प्लस और माइनस होता है, जबकि जो जो दो बीच का बचा है, ये पहला होता है BSI और दूसरा होता है BTEMP। BSI का फुल फॉर्म जान लेते हैं। जब BSI का फुल फॉर्म होता है बैटरी स्टेटस इंडिकेटर। इसका क्या काम होता है? तो ये बैटरी के मोबाइल के प्रोसेसर को यह जानकारी देता है कि बैटरी किस टाइप की है और किस साइज की है, ठीक है। और दूसरा काम इसका ये होता है कि अचानक यदि मोबाइल से हम बैटरी निकाल लेते हैं तो मोबाइल के प्रोसेसर को ये सिग्नल भेजता है कि बैटरी से संपर्क टूट चुका है, अतः सारी कनेक्शन बंद कर ले जिससे डाटा सेफ हो जाए। अब देखिए, बैटरी के टेम्परेचर, BTEC, इसको बोलते हैं बैटरी टेम्परेचर, या मोबाइल के प्रोसेसर को बैटरी के टेम्परेचर के बारे में जानकारी देता है कि बैटरी ही कितना हीट हुई है, ओवर हीट तो नहीं हुई है, जिससे क्या होगा कि बैटरी के लाइफ को बचा रहता है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।